नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे आज आपको बताने वाले हैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट सबसे पहले कौन सा बैंक इंक्रीज करने के मामले में नंबर वन है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, कोटक, RBL, इंडस्ट्रियल बैंक, PNB बैंक, BOB बैंक, कौन सा बैंक सबसे बेस्ट है लिमिट इंक्रीज करने के मामले में और कौन सा बैंक सबसे हाईएस्ट लिमिट इंक्रीज करता है, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ एकदम डिटेल्स में बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर सपोर्ट कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर आता है आपका ICICI बैंक और इसके बाद जो है एक्सिस बैंक, मतलब कि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये दो बैंक ऐसे हैं अगर आपकी लिमिट इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हाईएस्ट हिट करते हैं, मतलब कि छोटा मोटा अमाउंट नहीं, अगर आपकी लिमिट 50,000 है 2,00,000 3,00,000 कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग लिमिट इंक्रीज करते हैं और लिमिट को इंक्रीज करने के मामले में ये लोग काफ़ी हद तक आगे हैं। थोड़ा सा आपका अगर रिकॉर्ड बढ़िया देखा तो तुरंत लिमिट इंक्रीज करते हैं और 10-20-5,000 नहीं करते हैं। SBI की बात करूँ, SBI जो है आपकी लिमिट जो है उतना हाईएस्ट इंक्रीज नहीं करता है, बट वो भी करता है बट थोड़ा से पीछे है लिमिट इंक्रीज के मामले में। HDFC बैंक की बात करो तो पहले HDFC बैंक सबसे आगे था बट आज के टाइम में काफी हद तक पीछे धीरे धीरे होता जा रहा है लिमिट इंक्रीज के मामले में। क्यों? क्योंकि काफी लोग का शिकायत आता है, मैं अपने मरीज से नहीं बोल रहा हूँ, काफी लोग का शिकायत है मैं कार्ड काफी टाइम से यूज करता हूँ, मेरे लिमिट इंक्रीज अभी नहीं हुई है, काफी लोग का हो जाता है। तो मैंने जब रिव्यू किया, रिसर्च किया तो मेरे को यहाँ पे एक्सिस बैंक और ICICI बैंक काफी हद तक आगे निकलता नजर आया। कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है, ये भी लिमिट इंक्रीज करता है बट आपकी लिमिट थोड़ा कम इंक्रीज करता है। यहाँ पे RBL, इंडस्ट्रियल बैंक, PNB बैंक, BOB बैंक, भाई BOB की तो बात ही मत करो, BOB बैंक एक ऐसा बैंक है अगर मैं कुछ भी बोलूं तो आप लोग बोलोगे आपकी बात सत्य है। कार्ड अप्लाई करो, कोई टाइमिंग नहीं, किसी किसी का 2 घंटे में अप्रूव कर दे, किसी किसी का 8-9 महीने लगा देते हैं, किसी किसी का एप्लीकेशन इन प्रोसेस में हो गया, लंबे समय से कोई उसका अपडेट ही नहीं आया। कस्टमर केयर की बात करो वो पता ही है, और यहाँ पे लिमिट इंक्रीज की बात करो तो जल्दी होता ही नहीं है, किसी का 10-5,000 कर दिए बाकी तो करते ही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सोच रहे हो तो आप इधर उधर न भटकते दो बैंकों में ज़्यादा कोशिश करना, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये दो बैंक ऐसे हैं। HDFC भी आप इसमें जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं तीसरे नंबर पे HDFC करता हूँ। अगर आप इन तीनों बैंक कार्ड ले लेते हो, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको डेबिट कार्ड MI ऑफर आपको हमेशा मिलते रहते हैं, HDFC में तो हमेशा रहता है, साथ में आपको क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज का ऑफर आता है, अकाउंट ओपन करके छोड़ दो, थोड़ा सा मेंटेनेंस करो, अच्छे से यूज करो, आसानी से आपको प्री अप्रूव ऑफर, बड़े लोन मिल जाते हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं। देखिए बड़े लोन से बड़ा काम होता है, बस फर्क इतना है कि पैसा आपको अगर लोन मिल गया तो सही जगह इस्तेमाल करो, उसका मिसयूज मत करो। कुछ लोग ऐसे हैं पैसे आने के बाद तुरंत मोबाइल का रिव्यू देखते हैं, ये मोबाइल खरीदेंगे, वापस करेंगे, यहाँ वहाँ पैसा खर्च करेंगे, पैसा कम लगेगा तो यहाँ वहाँ भागेंगे, क्या मिलेगा, सिविल खराब हो गया, कुछ नहीं मिला। तो पैसा अगर आपको मिलता है तो सही जगह उसका इस्तेमाल करो, कुछ करके दिखाओ। तो क्रेडिट कार्ड आपको ये बैंकों का लिमिट जल्दी इंक्रीज होता है और जल्दी मिलता भी है। तो अगर आपने अदर बैंक में ट्राई करना चाहते हैं तो इन तीनों बैंक में से आप ICICI, एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कर लीजिए, अगर पहले से अकाउंट है तो थोड़ा सिविल पे ध्यान दीजिए, अच्छी ट्रांजेक्शन कीजिए, कोई ऐसी गलती मत कीजिए, लेट पेमेंट मत मिस कीजिए, आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी और आपको बड़ी आसानी से क्रेडिट कार्ड मिलेगा और लिमिट का जल्दी आपका इंक्रीज भी होगा। तो वीडियो कैसा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, उसमें शेयर कर देना, फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।